हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और ये वीडियो मैं अपने लाइव सेशन के बाद में बना रही हूँ। लाइव वीडियो मेरा आया इसके बाद में, और एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था मेरे इससे पहले वाले वीडियो में कि मैं लाइव आऊँगी, बट शायद आप लोग उसको देख नहीं पाए। और कोई बात नहीं, आगे से मैं हर संडे जो है 2 से 3 बजे के बीच में या 2 से 4 बजे के बीच में लाइव आऊँगी, और आप लोगों को अपने क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूँगी। और कैसे हैं आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, दीपक परमार करके हैं एक सर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, और साक्षी का किचन इन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया था, और रिंकू उदयवीर और कई लोग हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साक्षी का किचन आप लोग उनका वीडियो जाकर के ज़रूर देखें, बहुत अच्छी हैं वो दीदी और बहुत अच्छे वीडियो भी बनाती हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो और आज लाइव मैंने तो अपना वादा पूरा किया, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया मुझे ज्वाइन करके। और मैंने देखिए संडे के दिन टाइम निकाला आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मतलब देखिए, मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, अपने टाइम में से टाइम निकाल के आप लोगों के साथ में बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग लाइव सेशन को अटेंड ही नहीं करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब कुछ, बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आगे जो है मैं अगर वीडियो बनाऊँ और लाइव आऊँ तो पक्का मुझे ज्वाइन करें आप लोग। चलिए, जिन जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया था उनके लिए थैंक यू। और कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लाइव आने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, वीडियोस मैं बना रही हूँ, बहुत कम वीडियो मैं दे पा रही हूँ चैनल पर, बट मैं चाहती हूँ कि मतलब हम लोग खुद एक दूसरे से बात कर पाएँ, आपके जो क्वेश्चन हैं आप मुझसे डायरेक्ट पूछ पाएँ और उनका आंसर जो है मैं आपको डायरेक्ट दे पाती हूँ लाइव में। तो इसीलिए मुझे लाइव आना अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एक दो बार लाइव आऊँ। और आप लोगों की मेरे कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं उनके आंसर आप लोगों को ज़रूर देना चाहती हूँ। और किसी दिन मैं कॉलेज में ही लाइव आऊँगी और आप लोगों को कई लोगों से जो है मिलवाऊँगी। तो कैसे हैं आप सब लोग, और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है मुझे देते रहिएगा, मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। शिवरात्रि किस किस के यहाँ किस किस तरीके से मनाई, मैंने जिन जिन लोगों ने वीडियो शेयर किया था मैंने उन लोगों का वीडियो देखा, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस तरीके के हम लोग कार्यक्रम देखते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को देखते हैं, एक दूसरे के इधर क्या क्या होता है सब कुछ देखते हैं ना, तो रियली में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने मतलब जिन जिन लोगों को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है, मेरे चैनल पर कमेंट किया है, मेरे वीडियो पर कमेंट किया है, मैंने उनको पक्का सपोर्ट किया है, उनको मतलब जितना हो सके मैंने यूट्यूब पर उनको पक्का सपोर्ट किया है। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी न्यू है, कोई भी न्यू पर्सन है जो यूट्यूब पर अपना या फिर कहीं पर भी अपना जो है नया काम चालू कर रहा है, तो उसको पक्का सपोर्ट कीजिएगा। यही मैं शुरुआत से कहती चली आई हूँ और यही मैं अभी भी आप लोगों से कह रही हूँ। आप मेरी रिक्वेस्ट इसको समझें कि अगर कोई भी अपना नया काम शुरू कर रहा है, तो हमारा फ़र्ज है कि उसको उसके उस काम में उसकी हेल्प करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, और मतलब उसको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। तो इसी तरीके से मतलब उसको पॉजिटिव तरीके से समझाएं या फिर उसको सपोर्ट करें, तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि उसको अपने आप में मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज क्या बनाया था वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। आज सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने क्या बनाया था, आमलेट और पराठा बनाया था, और इसके बाद दोपहर में दाल चावल, और शाम को देखते हैं अब क्या बनाते हैं। और लाइव सेशन में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे इसीलिए, बट अगली बार जो है संडे के दिन पक्का लाइव आऊँगी मैं, और आप लोग मुझे ज्वाइन करिएगा संडे के दिन 2 से 4 बजे के बीच में। मैं मतलब 2 बजे के बाद में कभी भी लाइव आ सकती हूँ,
तो चलिए आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और आप लोग मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, कॉलेज से रिलेटेड महिला दिवस का वीडियो मैंने आप लोगों को दिया। और देखिए, एक डॉक्टर की लाइफ किस तरीके से एक स्टूडेंट अपनी लाइफ को जीता है, उसमें मैंने कितने अच्छे तरीके से कितने सारे लोगों को दिखाया और आप लोगों ने देखा भी है उसको। और देखिए, मम्मी के घर वाले वीडियोस, बहुत सारी वीडियो मैं आप लोगों को इसी तरीके से देती रहती हूँ। और जहाँ भी घूमने जाती हूँ, अभी तो घूमना हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का टाइम कॉलेज में जा रहा है। तो भगवान से प्रे कीजिएगा, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं, और कि भाई मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ ख़त्म हो पाए और हम लोग कहीं घूमने के लिए चलें। देखते हैं, मतलब मेरे बेटे के बर्थडे पे हम लोग सोच रहे थे कि आपको भोपाल का सैर सपाटा घुमाया जाए, बट अभी मेरे हस्बैंड आए हुए हैं और मतलब उनका थोड़ा सा अभी चोट है पैर में, तो उसके कारण हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, घर में ही पार्टी करेंगे। और क्योंकि उसका जो बर्थडे है होली के एक दिन पहले पड़ रहा है 27 को, तो उसकी तैयारियाँ भी करनी है, उसको ड्रेसेस वगैरह दिलाना है। और ज़्यादा लोगों को तो मैं नहीं बुलाऊंगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, बट घर ही घर में हम लोग उसका बर्थडे जो है सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों को उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को पक्का शेयर करूँगी क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? और उसके लिए कपड़े हम लोगों ने ख़रीद ही लिए थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप कपड़े वगैरह ख़रीदेंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसके लिए क्या ख़रीदेंगे, कहाँ से ख़रीदेंगे, फिर तो आप लोगों को लेके चलूँगी घुमाने के लिए। और किचन के बाद में, मतलब ओपन किचन के कई सारे वीडियोस बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं पक्का कोशिश करूँगी कि ओपन किचन के और वीडियोस मैं आप लोगों को बनाऊँ और बताऊँ कि आप लोग किस तरीके से अपनी किचन को जो है सेट कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो आप लोगों को जो है किचन के ऊपर मैं दूँ, सफाई के ऊपर, कि हम लोग अपना सामान जो फैला पड़ा रहता है उसको किस तरीके से साफ़ करें। जैसे कि हम लोगों की ओपन किचन रहती है, अगर उसमें फर्नीचर नहीं है तो उसको हम लोग किस तरीके से साफ़ करें, क्योंकि ओपन किचन होने के बाद ना बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो मैं उसी वीडियो की तैयारी में हूँ कि आप लोगों को बता पाऊँ कि ओपन किचन की सफाई किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हम अपने किचन को कुछ टिप्स दूंगी साफ रख सकते हैं। और बस यही है। और इसके बाद में एक राजस्थानी सूट का वीडियो भी मेरे को बनाना है, उसको मैं बहुत जल्द बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि राजस्थानी सूट की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप राजस्थानी सूट के वीडियो हम लोगों को दें। तो मैं भोपाल के राजस्थानी सूट की वीडियो आप लोगों को पक्का दूंगी और ज़रूर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ जाने की कि आप लोगों को वो वीडियोस में दे पाऊँ, तो वो भी मैं बना करके आप लोगों को दूंगी। और लाइव सेशन का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, आप लोग जा करके देखिएगा अगर टाइम मिले तो। और पक्का मुझे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए कितने अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों को देती हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज भी बनता है ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने का। तो चलिए, आज का वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए, आज आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए संडे को यहीं करते हैं एंड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।